कोलू की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज कुल्फी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस। इसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुछ सेकंड तक पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नींबू के फूल, एक चम्मच हम इसमें ऑरेंज एसेंस ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक चम्मच कॉर्नस्टार्च को पानी में घोलकर हम इसमें ऐड करेंगे। कुल्फी बनाने के लिए अब हमारा घोल बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच इनो सोडा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सोडा डालने से हमारे जो कुल्फी का टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आएगा। बनाए गए मिक्सचर को हम कुल्फी मोल्ड में ऐड करेंगे। इसकी जगह आप किसी प्लास्टिक के ग्लास में भी इसे ऐड कर सकते हैं। इसे पूरा भरने के बाद हम इसे फ्रीजर में जमाने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। 2 या 3 घंटे बाद जब हमारी कुल्फी थोड़ी सी जम जाए तभी हम इसमें कुल्फी स्टिक लगाएंगे और फिर इसे हम फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे। कुल्फी अब अच्छी तरह से जम गई है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पानी का बाउल, ये नॉर्मल पानी है, और इसमें हम कुल्फी को थोड़ा सा डिप करेंगे और फिर इसे अनमोल्ड करेंगे। इसे बिल्कुल ही धीरे और हल्के हाथों से अनमोल्ड करें। तो लीजिए बनकर तैयार है ऑरेंज कुल्फी।